वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी जीत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया, एली मैथ्यूज ने खेली शानदार पारी। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया। आज के मुकाबले में आरसीबी की कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 18.4 ओवर में 155 रन पॉल आउट हो गई। आरसीबी के लिए ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 28 रनों की पारी खेली। उन्होंने 26 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्का लगाई, जबकि कनिका आहूजा ने 22 रन और कप्तान स्मृति मंधाना ने 23 रन बनाई। मुंबई इंडियंस के लिए एली मैथ्यूज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उसके बाद बैटिंग रहे मुंबई इंडियंस के लिए एली मैथ्यूज ने शानदार बल्लेबाजी की नजर पेश करते हुए 73 रनों की पारी भी खेली और मात्र 38 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 13 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि यस्तिका भाटिया 23 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गई। और उसके बाद बैटिंग रहे नेटली सीवर ने मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन ठोक डाले और 9 चौके और 1 छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस को जीत दिला दी। और मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 9 विकेट से अपना नाम कर लिया और वुमेन्स प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। तो दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।